अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। आज जो फूड फ्रेम बन रहा है वो है मैंगो डिलाइट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब माई चैनल सो गो एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अमेजिंग रेसिपीज। हाँ जी, तो सबसे पहले हमने एक एम्प्टी बाउल में हमने दोनों क्रीम्स के पैकेट हैं वो डाल देने, और डालने के बाद इसको हमने फ्रीजर में रख देना हाफ आवर के लिए। फिर जो है बिस्किट्स को ग्राइंड कर लेना, ग्राइंडर में डाल के थोड़े थोड़े बिस्किट डालिएगा और फिर ग्राइंड हो जाएंगे, और इसको फिर आप पाउडर फॉर्म में ले जाइएगा। ये देखिए मैं दिखा रही हूँ, ये फुल पाउडर फॉर्म में नहीं है, थोड़े थोड़े बिस्किट हैं इसमें और फुल पाउडर नहीं है। हाँ जी, तो अब आधा घंटा हो गया। आधा घंटे के निकालने के बाद इसको हमने 10 मिनट तक अच्छी तरह से बीट करना है क्रीम को। क्रीम के अंदर हमने 4-5 टेबल स्पून कंडेंस मिल्क डालना है। अगर आप शुगर ज़्यादा करना चाहते हैं तो कंडेंस मिल्क की क्वांटिटी ज़्यादा कर लें, अगर कम रखना चाहते हैं तो कंडेंस मिल्क की क्वांटिटी कम रख लें, और उसके बाद इसको फिर आपने बीट कर लेना क्रीम के साथ। थोड़े से गर्म पानी के अंदर आपने 1 टेबल स्पून जेली का पाउडर डालना है। मेरे पास मैंगो फ्लेवर था तो मैंने उसमें डाल दिया। जब सारा पाउडर पानी के अंदर डिजॉल्व हो जाएगा ना, उसको थोड़ा सा ठंडा करिए, उसको फ़ौरन फिर जो हमने बैटर बनाया था क्रीम और कंडेंस मिल्क का उसमें डाल देना। इसको हमने जेली नहीं बनने देना, पहले आपने जो है मैंगो का प्यूरी बना लेनी है वो डालनी है, उसके बाद फिर जो हमने लिक्विड बनाया है उसका मैंगो पाउडर का मैंगो जेली का वो डाल देना, और फिर इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना। हाँ जी, तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात बताती चलूँ आपको कि मेरे पास जेलटन पाउडर नहीं था, तो उसकी जगह फिर मैंने मैंगो जेली का लिक्विड बना के डाला था जो मैं डाल दूँ। आप उसकी जगह ये भी डाल सकते, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आया था, आप ये यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास जेलटन पाउडर नहीं है। चलें जी, वो असेंबली की तरफ चलती हैं। सबसे पहले जो बिस्किट है उसकी लेयरिंग कर लेनी है, उसके बाद जो बैटर है फिर उसकी लेयरिंग कर लेनी है। इन दोनों चीज़ों का ना 50-50% डालना है। मेरे पास 4 मैंगोज थे जिसमें से 2 बड़े थे और 2 छोटे थे। जो 2 बड़े थे ना उनको मैंने क्यूब्स में काट लिया था गार्निशिंग के लिए, और जो 2 छोटे थे ना उनकी मैंने प्यूरी बना के बैटर के अंदर डाल दिया था। मैंगो को अच्छी तरह से फैला देने ताकि हर बाइट में मैंगो आए। अब थोड़ी साइड पे बिस्किट से गार्निशिंग कर दें। इस रेसिपी को अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हमें कमेंट्स में अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। हमारी इंस्टाग्राम को भी फॉलो करना मत भूलिएगा, उसका नेम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलें जी, मिलती हूँ एक नेक्स्ट अमेजिंग सी वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।